वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट, आई नरेंद्र मौर्य। आज हम मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में चैप्टर नेम मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश, इसका आज हम सेकंड लेक्चर लेंगे। इससे पहले एक हमने ऑलरेडी एक लेक्चर ले चुके हैं, तो जिसने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा हो प्रीवियस वीडियो को देख ले, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश का सेकेंड लेक्चर देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने सरफेस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पढ़ ली थी इसमें, ठीक है। जहाँ तक पढ़ लिया तो उससे आगे का हम स्टार्ट करते हैं। यही पढ़ लिया था हमने, यहाँ तक हमारा हो चुका था। आज हम इस लेक्चर में इंडिकेशन ऑफ सरफेस टेक्सचर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडिकेशन ऑफ सरफेस टेक्सचर से मतलब क्या है यहाँ पर, सबसे पहले ये देखते हैं। जैसे मान लो कहीं पर सरफेस जो है रफ है, ठीक। तो रफ सरफेस होने के कारण भी क्या होता है, उसकी रफनेस की शेप अलग अलग होती है। कोई इस तरह से दिख रही है, मान लो कोई सरफेस आपकी इस तरह से दिख रही है, किसी सरफेस की जो रफनेस है वो उसे इस तरह से शो कर आ गया। तो सरफेस की रफनेस के अपने स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टेक्स्चर कहते हैं। तो उसी को इंडिकेट करा जाता है अलग अलग सिंबल द्वारा। तो हम ये देखेंगे उसे किस किस सिंबल द्वारा इंडिकेट करा जाता है और कब करा जाता है, ठीक। सबसे पहली बात, द बेसिक सिंबल कंसिस्ट ऑफ टू लेग्स ऑफ अनइक्वल। सबसे पहले जो हमारा सरफेस को दिखाने का जो तरीका होता है, इंडिकेट करने का तरीका, उसमें दो लाइनें होती हैं। दोनों लाइनें क्या होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं, अनइक्वल होती हैं। एक छोटी होगी तो एक बड़ी होगी, ठीक। और जो दोनों लाइनें हैं उनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, अप्रोक्सीमेट 60 डिग्री होता है। इनके बीच का जो एंगल होता है अप्रोक्सीमेट 60 डिग्री होता है, ठीक। और इसकी अगर हम बात करें, इस तरह से आप एक सिंबल नोट करते हैं, ये सरफेस है मान लो, ये सरफेस के ऊपर सिंबल इस तरह से दिखाएंगे, दो लाइन में होगा और दोनों जो लाइन होंगी अनइक्वल होंगी और उनके बीच का एंगल जो होगा मिनिमम आपका अप्रोक्सीमेट 60 डिग्री के आसपास होगा। अभी हम देखते हैं ये वाला सिंबल कब यूज़ करते हैं, ये वाला सिंबल यूज़ क्यों करते हैं, ये वाला सिंबल कब यूज़ करते हैं। देखिए, इफ द रिमूव ऑफ मटेरियल बाय मशीनिंग इज रिक्वायर्ड, अ वार एडेड टू द बेसिक सिंबल। मेनली अगर मान लो कोई भी एक सरफेस इस तरह से, उसका आपको ये वाला सरफेस से क्या करना है, मशीनिंग करके रिमूव करना है मटेरियल। तो मटेरियल रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट का आपने डिज़ाइन बनाया, तो उसके बनाने के बाद आपने देखा इसके बाद में मशीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे सिर्फ एक आप सिंबल द्वारा दर्शा देंगे, इस तरह से एक सिंबल बना देंगे, जैसे यह सिंबल बना। तो जब आप किसी सरफेस के ऊपर इस तरह का एक सिंबल बना देते हैं, तो उसका मतलब क्या है, उसके ऊपर से मटेरियल को क्या करना है, रिमूव करना है बाय द हेल्प ऑफ मशीनिंग प्रोसेस। तो ये वाला सिंबल ये शो करता है कि किसी सरफेस से आपको मटेरियल को रिमूव करना है मशीनिंग प्रोसेस द्वारा, ठीक। और अगर मान लो आपको रिमूवल ऑफ मटेरियल इज़ नॉट परमिटेड, मतलब अगर मान लो किसी सरफेस से आपको कोई भी, जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको लग रहा है इस सरफेस से कोई भी मटेरियल रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस तरह का सिंबल बना देंगे। इससे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ मटेरियल इज़ नॉट परमिटेड, उससे क्या होगा, हमारा उस सरफेस का कह सकते हैं हम मटेरियल को रिमूव करने की वहाँ से ज़रूरत नहीं होगी, तब हम इस तरह का सिंबल बना देते हैं, ठीक। और अगर मान लो स्पेशल सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मान लो कोई भी आपको स्पेशल कैरेक्टर्स को डिनोट करना है वहाँ पर, तो हम यूज़ तो ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, व्हेन स्पेशल सरफेस कैरेक्टरिस्टिक हैव टू बी इंडिकेटेड अ लाइन एडेड टू लॉन्गर आर्म ऑफ एनी ऑफ द अबव सिंबल। मतलब कोई भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करनी है आपको, ठीक, तो उसके लिए हम ये शो करते हैं, ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल होती हैं वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो किसी भी सरफेस पे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक शो करनी है तो आप इस सिंबल द्वारा शो करते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम मशीनिंग प्रोसेस शो करते हैं, इसके द्वारा मशीनिंग नहीं करनी होती तब शो करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के लिए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडिकेशन ऑफ सरफेस रफनेस। अगर हम बात करें कोई भी सरफेस है, तो सरफेस वैसे अगर मान लो यहाँ पे दिख रहा है आपको ए बना है, यहाँ पे डिफरेंस क्या गया, अनइक्वल सिंबल है, लेकिन साथ में क्या आ गया, ए आ गया, एक ए किया, ए जो ए आ गया है, ए का मतलब यहाँ पे क्या है, ए का मतलब यहाँ पे रफनेस ऑब्टेंड बाय एनी प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब यहाँ पे क्या है, आपको आपको रफनेस की जो वैल्यू होती है
वो शो कर जाती है। जो ए होता है ना, ए आपका रफनेस के मान शो करता है, मतलब कोई भी सरफेस कितनी रफ है तो उसके मान को हम ए द्वारा शो कर देते हैं, ठीक। जिससे हमें पता चलता है कि कम खुरदरा होगा ये, कम रफ होगा तो कम मशीनिंग करने की ज़रूरत होगी, और ज़्यादा रफ होगा तो ज़्यादा मशीनिंग की ज़रूरत होगी। तो ए यहाँ पर शो कर रहा है कि सरफेस कितनी रफ है, ठीक है। तो आपको अगर इस तरह कोई सिंबल दे उसमें पूछे ए क्या है, तो ए आपका डिनोट करता है सरफेस की रफनेस की वैल्यू को, ठीक। अगर मान लो आपका इस तरह का सिंबल दे हुआ है और साथ में ऊपर ए भी लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, रफनेस है ऑब्टेंड बाय एनी प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब उस सरफेस के ऊपर क्या है, जो रफनेस है उस रफनेस का मान शो करना है आपको, तो साथ में आपको ये सिंबल के ऊपर ए शो करना पड़ता है, ठीक है। और ए का जो भी मान है वो रखा जाता है। और ये वाला सिंबल हम यूज़ क्यों करते हैं, इस सिंबल का हम यूज़ कब करते हैं, अभी देखा था ये वाला सिंबल कब यूज़ कर रहे थे, मटेरियल को रिमूव करने के लिए। जब आपको मटेरियल रिमूव करना होता है तो मटेरियल को रिमूव करना होता है तो ये वाला सिंबल, और साथ में कितना रिमूव करना होता है वो आप सरफेस रफनेस का मान लिख सकते हो। यहाँ पर ए, ए यहाँ पर वैल्यू शो कर रहा है कितनी रफ है, तो उतना तो रिमूव करोगे तो ए का मान लिख दोगे, और इस तरह से एक सिंबल बना दोगे जिससे पता चल जाएगा कि कितना मटेरियल इससे रिमूव करना है। और यहाँ पे ये सिंबल क्या शो करता था, रफनेस आ सेल बी ऑब्टेंड विदाउट रिमूविंग ऑनी मटेरियल, मतलब किसी भी सरफेस पर मान लो रफनेस है लेकिन मटेरियल को रिमूव करने की जरूरत नहीं है, तो आप रफनेस को ए से डिनोट कर देंगे, जो भी मान है उसका वो लिख देंगे, और रिमूव करने की जरूरत नहीं है, तो इस तरह से हम सिंबल बना देंगे, ठीक। तो ये होता है, रफनेस होगी लेकिन आपको रिमूव करने की जरूरत नहीं है मटेरियल को, क्योंकि वो रफनेस क्या है, कम है, और जब आपको रिमूव करना है तो ये सिंबल, ठीक। आगे देखते हैं, आप ये सिंबल देखिए, यहाँ पे अगले में देखिए इसमें सिंबल में क्या है, इसमें दो बने हैं, ये ए वन बना है ए टू बना है। ए वन शो करता है यहाँ पे मैक्सिमम मान के लिए, और ए वन शो ए टू शो करता है मिनिमम के लिए, मतलब ए वन और ए टू क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट शो कर रहे हैं रफनेस की। अब मान लो रफनेस का सबसे मैक्सिमम मान का मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लो कोई वस्तु हम बना रहे हैं तो वो मैक्सिमम कितनी रफ होगी, मान लो अलग अलग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो कई सारे ऑब्जेक्ट जो हमने बनाए तो हर एक की रफनेस का मान अलग होगा, तो उसे हम एक लिमिट के अंदर अगर डिनोट करें तो मैक्सिमम लिमिट को ए वन और मिनिमम लिमिट को ए टू, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की लिमिट ए वन से ए टू यहाँ पे ये शो करेगी कि किसी ऑब्जेक्ट की जो लिमिट है इस लिमिट के अंदर रफनेस तैयार होगी जब हम बनाएंगे, तो लिमिट यहाँ पे ये शो करेगी ए वन ए टू, सिर्फ ये शो कर रहा है मैक्सिमम मिनिमम लिमिट ऑफ रफनेस, ठीक है। तो इंडिकेशन समझ में आ गया सरफेस का। तो आपको क्या लगता है ये वाला सिंबल हम कब यूज़ करते हैं, तो ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं जब मटेरियल को आप रिमूव करना हो, नहीं करना होता रिमूव, तो ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक। और ये यहाँ पे क्या है हमारा, सरफेस रफनेस का मान है। आगे देखते हैं, यहाँ पे और देख लीजिए, इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इफ इट इज रिक्वायर्ड दैट द रिक्वायर्ड सरफेस टेक्सचर बी प्रोड्यूस बाय वन पर्टिकुलर प्रोडक्शन मेथड, दिस मेथड सेल वी इंडिकेट इन प्लेन लैंग्वेज ऑन एन एक्सटेंशन ऑफ लॉन्गर आर ऑफ सिंबल। देखो यहाँ पर जैसे हमारा ये वाला अभी तक सिंबल बनना था, ये वाला इसका मटेरियल क्या होता था, मटेरियल को रिमूव करना है आपको, और रिमूव करना है कितना रिमूव करना है उसे हम ए द्वारा शो करने थे। ए क्या शो करता था हमारा यहाँ पे कि कितना सरफेस में रफनेस है, और अब मान लो आपको तुम्हें प्रोसेस शो करना है कि किस प्रोसेस द्वारा मटेरियल को रिमूव करना है, तो उसे ये जो लेंथ है हमारी वाली आर्म, जो जो ये आर्म बन रही है, भुजा बन रही है, इसकी जो लंबाई है आर्म की, इसी के ऊपर हम प्रोसेस का नाम लिख देते हैं। मान लो मिलिंग प्रोसेस करना है तो मिलिंग लिख दिया, मतलब जो प्रोसेस आपको करना है, जिस प्रोसेस द्वारा मटेरियल रिमूव करना है उसे हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं। तो ये वाला सिंबल शो कर रहा है यहाँ पर मटेरियल को रिमूव करना है, साथ में कितना रिमूव करना है उसे ए द्वारा दिखा देते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं, ए भी यहाँ पर बनेगा इसके ऊपर ही, ठीक है, तभी आपका सही होगा। और जो प्रोसेस हम यूज़ करेंगे मटेरियल को रिमूव करने के लिए उससे हम इस आर्म के ऊपर दिखा देते हैं, ठीक है, आर्म के ऊपर दिखा देते हैं, यहाँ तक सही है। अब आप देखिए ये पूरा डायग्राम, इस पूरे डायग्राम से भी क्वेश्चन बन जाता है। देखिए इस डायग्राम में, इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं ए क्या शो कर रहा है हमारा, ए तो यहाँ पे शो कर रहा है रफनेस की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें बी क्या शो कर रहा है, बी शो कर रहा है प्रोडक्शन का प्रोसेस, किस प्रोसेस द्वारा आपको मशीनिंग वगैरह करनी है, इस पे काम कौन सा प्रोसेस द्वारा करना है, ठीक। और यहाँ पे सी क्या होता है, सी सी आप देख रहे हैं
ये जो सी दिया नीचे होता है हमारा, जो हमारा आर्म है उसके नीचे हम सी से डिनोट करते हैं। अगर सी इस तरह से लिखा होगा तो सी यहाँ पर डिनोट कर रहा है सैम्पलिंग लेंथ, मतलब कितनी लेंथ तक आपको क्या करना है, प्रोसेस करना है, वो सी द्वारा डिनोट करते हैं। तो सी यहाँ पे शो करता है कितनी लेंथ तक आपको क्या करना है, मटेरियल को रिमूव करना है, सी द्वारा शो करेंगे। और यहाँ पर ई दिया हुआ है, सी के बाद देखिए पहले डी, डी दिया हुआ है यहाँ पे, तो डी का यहाँ पे क्या मतलब है, तो ये डी दिया है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दिया है ठीक। डी का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ ले, मतलब किस डायरेक्शन में टूल को ले जाना है, किस तरह से आपको ले जाना है टूल को, डायरेक्शन शो करता है हमारा डी, तो डी शो करता है डायरेक्शन ऑफ ले। और जो हमारा ई है यहाँ पर, ई ई क्या शो करेगा, मशीनिंग अलाउंस, मशीनिंग अलाउंस शो करता है कि अलाउंस आपको पता ही अलाउंस क्या होता है, तो मशीनिंग करते हुए जो अलाउंस हमें लेना चाहिए उसे हमें ई द्वारा शो करते हैं। तो आपको ये सब पैरामीटर्स याद रखने हैं, बी क्या शो करता है, ए क्या शो करता है, डी क्या शो करता है, सी ई। और इसी तरह से जो एफ है आपका, सी के सपेक्ष में लिखा हो, सी के साइड में लिखा है एफ, तो एफ यहाँ पे शो करता है अदर रफनेस वैल्यू, मतलब रफनेस के अलावा भी जो अदर मान्स होते हैं रफनेस के, कई बार क्या होता है सरफेस में अलग तरह के डैमेजिंग होती हैं या फिर अलग तरह के कोई प्रोसेस करना होता है, तो उसे हम एफ द्वारा डिनोट करते हैं ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन सब पैरामीटर्स का नाम याद रखना है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन कह सकता है वहाँ पर इस तरह से कोई सिंबल दे दिया, वो कहेगा यहाँ पर बी क्या डिनोट करता है, तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस शो करता है, यहाँ पर डी क्या शो करता है, तो डी आपका क्या शो कर रहा है यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ ले, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए ठीक है। तो ये सारे सिंबल आपको याद होने चाहिए इसमें। आगे देखते हैं, ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है आपको ठीक है, जो टेबल दी हुई है यहाँ पर ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिए सिंबल्स ऑफ ले, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे ठीक है। यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो अगला हेडिंग है, हेडिंग का नाम क्या है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस रफनेस, मतलब किसी भी सरफेस की रफनेस को अफेक्ट कौन कौन से पैरामीटर्स करते हैं, विच पैरामीटर्स आर अफेक्ट द सरफेस रफनेस। तो कोई भी एक सरफेस है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उस ऑब्जेक्ट की सरफेस को अफेक्ट कौन कौन से पैरामीटर्स करते हैं, हमें ये बताना है यहाँ पर ठीक है। देखते हैं, तो हमारा सबसे पहले देखें टाइप्स ऑफ कूलेंट, अगर कूलेंट की बात करें तो कूलेंट भी अफेक्ट करेगा सरफेस की रफनेस को। दूसरा है कटिंग पैरामीटर सच एज स्पीड, स्पीड, डेप्थ ऑफ कट, ये भी अफेक्ट करेगा। थर्ड है टाइप ऑफ मशीनिंग, फोर्थ है रिजिडिटी ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मशीनिंग टूल फिक्सर कटिंग टूल एंड वर्क, नेक्स्ट है वाइब्रेशन एंड मटेरियल ऑफ टूल एंड वर्क पीस। अब देखिए ये अफेक्ट कैसे करते हैं, एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। तो मेनली यहाँ पर ये फैक्टर्स, अगर बात करें इन फैक्टर्स का हम ध्यान रखें, तो इन फैक्टर्स को चेंज करने में, इन फैक्टर में कोई भी चेंज करने पर, तो जो कह सकते हैं अफेक्ट होता है सरफेस की रफनेस में हम चेंज कर सकते हैं। तो इन सब पैरामीटर्स का किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस की रफनेस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इन पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो सरफेस अधिक रफ हो सकती है। अगर इन पर हम ध्यान दें और सही से काम करें इनके अकॉर्डिंग, तो इन फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए अगर काम करेंगे हम, तो जो हमारा सरफेस है बहुत अच्छा भी हो सकता है ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं सरफेस के लिए ठीक है। मतलब सरफेस अगर हम चीज़ इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दें तो सरफेस की हो सकती है बेकार भी हो सकती है, और इन पर ध्यान देंगे तो सरफेस अच्छी भी हो सकती है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कूलेंट, तो कूलेंट अगर बात करें, कूलेंट हमारा अच्छा होगा तो सरफेस भी, क्योंकि सरफेस भी आसानी से हम उसे मशीनिंग प्रोसेस द्वारा अच्छे से क्लीन कर पाएंगे और सरफेस की रफनेस को भी कम कर पाएंगे। तो कूलेंट भी आपका अच्छा होना चाहिए। अगर कूलेंट अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, जब आप वर्किंग करेंगे, मान लो मशीनिंग कर रहे हैं, तो मशीनिंग में क्या होगा, वो कूलेंट अच्छा नहीं है तो वो कूलिंग सही से नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, जो आपका हीटिंग एरिया होगा उसमें रफनेस ज़्यादा हो जाएगी, तो आपका कूलेंट भी अच्छा होना चाहिए। अगर कूलेंट अच्छा होगा तो रफनेस आपकी कम होगी, तो ये अफेक्ट करता है। साथ में सेकंड हमारा है कटिंग पैरामीटर सच एज फीड, स्पीड एंड डेप्थ ऑफ कट, ये भी हमें अफेक्ट करते हैं। फीड का मतलब क्या होता है, जैसे हम वर्क पीस है तो वर्क पीस को मान लो मशीन लगी हुई, मशीन का टूल यहाँ पर है, तो वर्क पीस को हम उसके तरफ बढ़ा रहे हैं, मशीन के टूल की तरफ, तो वर्क पीस को जिस स्पीड से आगे भेजते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फीड कहते हैं ठीक। और जिस टूल टूल की जो स्पीड है काम कर रहा है तो वो स्पीड हो गई, और डेप्थ ऑफ कट क्या हो गया, जितना वो एक बार में कट कर रहा है, मतलब जो वर्क पीस है वर्क पीस के ऊपर से जो टूल जा रहा है, तो टूल एक बार में जितना मटेरियल रिमूव कर रहा है वो क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट।
अगर सोचो हम डेप्थ ऑफ कट क्या करेंगे, ज़्यादा कर दें, तो ज़्यादा मटेरियल एक बार में रिमूव करेंगे तो सरफेस क्या होगी, बहुत ज़्यादा रफ हो जाएगी खुरदरी। और बहुत हल्के हल्के लेयर में हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे तो बहुत बारीक कह सकते हैं, बहुत अच्छा स्मूथ सरफेस प्रोवाइड होगा हमें, ठीक है। और फीड भी वही है, अब फीड सोचो वर्क पीस हम क्या करें, एकदम क्या करें, टूल के सामने एकदम स्पीड से बढ़ा दें तो क्या होगा, सरफेस आपके सही से क्लीन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी सरफेस पे, सही से मशीनिंग नहीं हो पाएगी, और सरफेस पे जब सही से मशीनिंग नहीं हो पाएगी तो सरफेस क्या होगी, रफ़ रह जाएगी। तो फीड, स्पीड और डेप्थ ऑफ कट का भी इफेक्ट पड़ता है सरफेस की रफनेस पे। और टाइप्स ऑफ मशीनिंग, मशीनिंग की अगर हम बात करें इसका तो इफेक्ट पड़ेगा पड़ेगा। अगर मान लो मशीनिंग के भी क्या होते हैं, कई तरीके होते हैं, तो मशीनिंग जो होती है हमारी, लेथ मशीन का यूज़ करते हैं या फिर और कोई सी मशीन यूज़ करते हैं, मशीनिंग के भी कई तरीके होते हैं, तो मशीनिंग को हैंडल करने के भी कई तरीके होते हैं। तो जब हम मशीनिंग का यूज़ करते हैं तो मशीनिंग जब प्रोसेस करा जा रहा है तो मशीनिंग करते समय अगर हम मान लो सही मशीनिंग का, सही प्रोसेस का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो सरफेस की रफनेस दूर नहीं हो पाएगी। तो आपको जैसे सरफेस की रफनेस होती है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको मशीनिंग प्रोसेस करना होता है, ठीक। तो आपको मशीनिंग प्रोसेस भी इसमें इफेक्ट पड़ेगा। अगला हमारा रिजिडिटी ऑफ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मशीन टूल, फिक्सर, कटिंग टूल एंड वर्क। जो हमारे अगर मान लो मशीन टूल, क्योंकि कई बार देखो आपने मशीन टूल क्या होता है, अगर मान लो सॉफ्ट है या बहुत अधिक हार्ड है तो क्या होता है, वर्क पीस पे क्या होगा, स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाएंगे, सरफेस रफ हो जाएगी, या फिर आपने फिक्सचर का सही से यूज़ नहीं कराया, मतलब वर्क पीस वगैरह को सही से फिक्स नहीं कराया, तो फिक्स नहीं करा होगा तो क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी। फिर जब आप कटिंग प्रोसेस करेंगे, कटिंग ड्रिलिंग, तो उससे क्या होगा, कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं मशीनिंग का, तो उससे क्या होगा, अगर वो सही से फिक्स नहीं होगा हमारा वर्क पीस तो वो हालेगा, और हालने के कारण क्या हो जाएगा, उसकी सरफेस पे क्या हो जाएगा, स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाएंगे, वो सरफेस डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो इन सब का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, तभी हमारी सरफेस अच्छी प्राप्त होती है। तो मशीनिंग टूल और फिक्सर और कटिंग टूल एंड वर्क, इन सब का हमें ध्यान रखना पड़ता है जिससे हमारा सरफेस हो वो अच्छा और स्मूथ प्रोवाइड हो पाए। और वाइब्रेशन, अगर मान लो वर्क पीस पर के ऊपर हम जिस मशीन से काम कर रहे हैं उसमें वाइब्रेशन बहुत अमाउंट में जनरेट हो रहे हैं तो क्या होगा, सरफेस तो बेकार होनी होनी है फिर। तो सरफेस को अच्छा करना तो वाइब्रेशन को आपको कम से कम, या वाइब्रेशन उनको मिनिमाइज से मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। तो वाइब्रेशन आपके कम होने चाहिए, अगर वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे तो ये क्या करेगा, आपके सरफेस को अफेक्ट करेगा, जैसे सरफेस आपकी बेकार हो जाएगी। अगला है हमारा मटेरियल ऑफ टूल एंड वर्क पीस। तो जो हमारा वर्क पीस का मटेरियल होता है वो हमारा ऐसा होना चाहिए जिस पर आसानी से मशीनिंग करी जा सके। अब सोचो मान लो आपने बहुत डक्टाइल मटेरियल ले लिया, बहुत डक्टाइल मटेरियल पे आप मशीनिंग प्रोसेस कर पाएंगे, सही से कर ही नहीं पाएंगे, और सही से मशीनिंग प्रोसेस नहीं कर पाएंगे तो सरफेस भी खुरदरी होगी, रफ होगी बहुत ज़्यादा। तो क्या होगा, आपको मटेरियल भी बहुत अच्छे से चूज़ करना पड़ता है, वर्क पीस का भी और टूल का भी, कि जिस हिसाब से आपका वर्क पीस है उस हिसाब से आपको टूल लेना पड़ेगा कि उस पर आसानी से वो मशीनिंग कर सके। तो मटेरियल का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, अगर मटेरियल पे आप ध्यान नहीं देंगे तो मशीनिंग प्रोसेस भी आपका स्मूथ नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको याद रखने हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव में कह देगा विच फैक्टर्स आर, इसमें मान लो ऑप्शन दे दिए, मान लो इसमें से तीन दे दिए, एक और कोई गलत दे दिया उसने बना के, वो कह देगा विच फैक्टर्स आर अफेक्ट द सरफेस रफनेस, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो आपको चूज़ करना है तो चूज़ करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था, आगे देखते हैं। आगे हमारा है ऑर्डर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल इरेगुलरिटीज। आपने देखा है जब भी कोई ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चर होता है, वर्क पीस हमारा कोई टूल वगैरह बना के तैयार होता है, तो उसके सरफेस की होती है ज्योमेट्रिक, उसमें चेंज होते हैं कुछ, मतलब जो हमें बनाना होता है ओरिजिनली वो तो हमें प्राप्त होता नहीं है शुरू में, क्योंकि अगर मान लो कास्टिंग प्रोसेस करना है तो कास्टिंग में आपको पता है कास्टिंग में क्या होता है, सरफेस मान लो इस तरह से बनानी है, तो जब आप कास्टिंग से बनाते हैं कोई सरफेस तो हल्की वो क्या होती है, उबड़ खाबड़ होती है, उस पर फिर मशीनिंग करते हैं आप चारों तरफ से, फिर एकदम वो शेप प्राप्त होती है। तो जो डायमेंशन वगैरह आप लेके चलते हैं वो एक्स्ट्रा लेके चलते हैं कुछ, जिससे क्योंकि आपको मशीनिंग करने पर जो मटेरियल है वो निकलने के बाद आपको जो शेप प्राप्त चाहिए वो आराम से प्राप्त हो जाए। तो ज्योमेट्रिकल इरेगुलरिटीज़ क्या होती हैं, ज्योमेट्रिकल इरेगुलरिटीज़ होती हैं अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट हमने वर्क पीस तैयार करा है उसके ज्योमेट्रिकल जो डायमेंशन होनी चाहिए वो नहीं है, या उसमें कोई चेंजेस हो गया है, या जो प्राप्त हो रही होनी चाहिए थी वो प्राप्त नहीं हो पाई है, तो वो क्या कहलाती हैं, ज्योमेट्रिकल इरेगुलरिटीज कहलाती हैं। मतलब जिस डायमेंशन में आपको ऑब्जेक्ट तैयार करना था उस डायमेंशन में नहीं हो पा रहा है, या फिर उसके सरफेस क्या है, सरफेस में बहुत इरेगुलरिटीज़ हैं जिसके कारण सरफेस हमारे स्मूथ नहीं है, तो उसमें जो ज्योमेट्रिक चेंजेस आ गए
ठीक है। अब वो देखते हैं किस किस तरह के ज्योमेट्रिकल चेंजेस होते हैं या इरेगुलरिटीज होती हैं, ठीक है, इन्हें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे किस किस तरह के इरेगुलरिटीज होती हैं। पहला इसमें दिया है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल इरेगुलरिटीज क्या होती हैं। एनी मटेरियल बींग मशीन बाई कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस कैन नॉट बी फिनिश्ड परफेक्टली, द सर्फेस जनरेटेड विल हैव सम इरेगुलरिटीज एंड दिस ज्योमेट्रिक इरेगुलरिटीज कुड बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। मतलब किसी भी मशीनिंग प्रोसेस में हम, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम मशीनिंग प्रोसेस करते हैं तो जो एक्चुअली हमें डायमेंशन परफेक्टली जो चाहिए थी वो हमें एक्यूरेट प्राप्त नहीं होती हैं, तो ज्योमेट्रिकल जो इरेगुलरिटीज होती हैं उन्हें हमने कई कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में अगर हम बात करें, इट इंक्लूड द इरेगुलरिटी डेवलप ड्यू टू द इन एक्यूरेसी इन द मशीनिंग टूल सच एज लैक ऑफ स्ट्रेटनेस ऑफ गाइड वे ऑन विच टूल पोस्ट इज मूविंग। मतलब फर्स्ट ऑर्डर में उन्होंने डिवाइड करा है कौन सी इरेगुलरिटीज को, तो जब आपकी मशीन जो टूल होता है, मशीन टूल आपका सही से काम नहीं करता है, ठीक है, उसकी इन एक्यूरेसी के कारण ही मशीन टूल की जो डायरेक्शन, मान लो जिस डायरेक्शन में उसे चल के एकदम स्मूथली वर्क करना चाहिए था उस डायरेक्शन में इन एक्यूरेसी के साथ काम करता है, एक्यूरेसी के साथ काम नहीं कर पाता है, तो अब क्या होता है, तब हमारी जो प्रॉब्लम होती है उसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ज्योमेट्रिकल इरेगुलरिटीज, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है, इट इंक्लूड्स लाइक इरेगुलरिटी डेवलप्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ रिजिडिटी ऑफ मशीन टूल। तो जब किसी भी मशीन टूल, अगर मान लो किसी पर हम वर्क कर रहे हैं उसमें जब टूल द्वारा मशीनिंग करते समय वाइब्रेशन जनरेट हो रहे हैं तो उन वाइब्रेशन के कारण जो इरेगुलरिटीज आती हैं उन इरेगुलरिटीज को क्या कहते हैं, उन ज्योमेट्रिकल इरेगुलरिटीज को क्या कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर ज्योमेट्रिकल इरेगुलरिटीज कहते हैं, ठीक है, जो वाइब्रेशन के कारण होते हैं। अगला है हमारा थर्ड ऑर्डर, इसमें क्या है, इट इंक्लूड द इरेगुलरिटीज ड्यू टू द कटिंग पैरामीटर्स सच एज कटिंग स्पीड फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। तो जब आपके ज्योमेट्रिकल चेंजेस आ जाते हैं ड्यू टू द स्पीड ऑफ वर्क पीस एंड फीड एंड डेप्थ ऑफ कट, तो जब किसी भी वर्क पीस पर जब हम काम कर रहे हैं, मशीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसके कटिंग में या स्पीड स्पीड से जिस स्पीड से काम कर रहे हैं उसके कारण, या फिर जब हम कटिंग कर रहे हैं तो डेप्थ ऑफ कट में, या फिर उसे वर्क पीस को फीड कर रहे हैं तो फीडिंग के समय जो इरेगुलरिटीज आती हैं, या फिर कह सकते हैं जो हमारी गलतियाँ हो जाती हैं उनके कारण जो इरेगुलरिटीज आ रही हैं वो उन्हें हम डिवाइड करते हैं थर्ड कैटेगरी में। तो ज्योमेट्रिकल इरेगुलरिटीज इन थर्ड ऑर्डर में फीड स्पीड एंड डेप्थ ऑफ कट के कारण जो इरेगुलरिटीज होती हैं उन्हें रखा जाता है। फोर्थ ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर में हम कौन किन्हें रखते हैं, इट इंक्लूड द इरेगुलरिटी डेवलप्ड ड्यू टू द रप्चर ऑफ द मटेरियल तो ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ द चिप फ्रॉम द ऑलरेडी फिनिश सरफेस ऑफ द वर्कपीस। अगर मान लो किसी वर्कपीस पे से हमने मशीनिंग करी है और मशीनिंग करने के बाद जो चिप निकलते हैं वो चिप निकलते समय क्या हो रहा है, उनमें मटेरियल में जो रप्चर हो रहा है, रप्चर का मतलब क्या, उसमें जो टूट फूट हो सकती है, उसमें किसी भी तरह के रप्चर होने की जो संभावना है उसके कारण जो इरेगुलरिटीज होती हैं उन्हें हमने फोर्थ ऑर्डर में रखा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ ऑर्डर में कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हम बात करते हैं सरफेस रफनेस की। सरफेस रफनेस हमें पता ही है, कोई भी जो सरफेस होती है जिस डायमेंशन में तैयार चाहिए थी उस डायमेंशन में तैयार ना होके उसमें कुछ सरफेस पे इरेगुलरिटीज होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस रफनेस कहते हैं। अब सरफेस रफनेस को कैलकुलेट भी तो करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। और फॉर्मूले के साथ ये भी देखेंगे किस मेथड का, किस प्रोसेस का यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहले फार्मूला बेस देखेंगे, फार्मूला बेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सरफेस रफनेस की अगर हम बात करें, इसे कैलकुलेट करना हम सीखेंगे अब, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक मान लो कोई सरफेस है, इस सरफेस में इरेगुलरिटीज है, उसकी सिर्फ इरेगुलरिटीज़ को हमने देख रहे हैं। अब इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं उसके बीच से हमने क्या करा, एक सेंटर लाइन ले ली। सेंटर लाइन यहाँ पे ये शो करती है, मान लो हमें ये वाली सरफेस चाहिए थी, ऊपर वाली सरफेस बिल्कुल इस तरह से चाहिए थी फ्लैट, लेकिन इसके ऊपर आ गया, कभी कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये क्या है, इरेगुलरिटीज शो कर रही हैं। तो ऊपर नीचे कैसे हो रही हैं, यहाँ पर इरेगुलरिटीज शो करा जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से इन्होंने क्या करा, जो इरेगुलरिटीज़ हैं इनके मान निकालने के लिए एक निश्चित लेंथ पे मान निकालना है मान लो, तो उस लेंथ का मान ले लिया।
क्योंकि ये जितने लेंथ पे निकालेंगे वो उतने एरिया के आधार पे निकालेंगे, और बाकी का जो भी होगा उसमें लंबाई बढ़ जाएगी तो उसका आपका मान भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, एक निश्चित एल लंबाई के लिए इन्होंने ज्योमेट्रिकल इरेगुलरिटीज को कैलकुलेट कराया। जैसे मान लो कोई सरफेस है, ठीक है, मान लो ये सरफेस है, ये बहुत रफनेस है, काफ़ी लंबाई है, तो आपको पूरे पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, थोड़े से हिस्से पे निकाल लेंगे, और थोड़े से हिस्से पर जो इरेगुलरिटीज आएंगी वही आपका पूरा सरफेस पे होंगी, क्योंकि ये एवरेज तो निकालेंगे एक तरह से। तो हम इसमें हम क्या करते हैं, हम एक निश्चित लंबाई पे निकाल लेते हैं। जैसे आपको मान लो कोई सरफेस क्या है, मान लो 10 या 15 मीटर की सरफेस है, ठीक है, लंबाई है, तो आप पूरे सरफेस पे अगर इरेगुलरिटीज कैलकुलेट करोगे तो टाइम लगेगा ज़्यादा। तो उसके लिए क्या है, हम एक सैंपल ले लेते हैं, छोटा सा पीस ले लेते हैं, उसमें इरेगुलरिटीज निकाल लेते हैं। उसमें निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो फार्मूला लगाते हैं, और उतने का मान जो आता है भाई हम पूरे के लिए अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि पूरे सरफेस पर जो इरेगुलरिटीज होंगी वो उसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी तो एरिया भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमने लंबाई कम ली है तो क्या एरिया भी उसी हिसाब से कम ही है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, छोटे से सैंपल साइज का हम निकाल लेते हैं सरफेस रफनेस, और वही पूरे सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा, एक सैम्पलिंग लेंथ ले ली, सैम्पलिंग लेंथ, तो सैम्पलिंग के लिए आप कहीं से कहीं भी ले सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ से यहाँ तक अपनी सुविधा अनुसार जहाँ से इन्हें लेना था इन्होंने एक सैम्पल लेंथ मान ली, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। मान लो सरफेस काफ़ी लंबी है तो उन्होंने एक सैम्पल ले ली, सैम्पल लेंथ, ठीक है। तो सैम्पल लेंथ क्या होती है, इट इज़ द लेंथ ऑफ प्रोफाइल नेसेसरी फॉर द इवोल्यूशन ऑफ एयर रेगुलेटर्स। तो किसी भी एयर रेगुलेटर्स को कैलकुलेट करने के लिए ये सैंपल को लेना जरूरी होता है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कट ऑफ लेंथ, कट ऑफ लेंथ भी कहते हैं, जो आपने लेंथ कट करी है कैलकुलेट करने के लिए, ये आपका कट ऑफ लेंथ भी कहलाता है, ठीक है। आप देखो इसमें मीज़र करने का तरीका क्या होता है, अब मान लो सरफेस की रफनेस को आपको कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लो कोई भी सरफेस है इस तरह से रेगुलेटर्स है, हमें चाहिए क्या थी पहले हम देखते हैं, जो हमें चाहिए थी सरफेस, एक आभासी लाइन खींच लेते हैं, आभासी लाइन, या फिर आप समझ लीजिए हम पूरे जो सरफेस आ रही है उसकी एक सेंटर लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। उसके सेंटर लाइन खींचने के बाद क्या होता है, यहाँ से ऊपर तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पर आपका हाइट बढ़ गया है, यहाँ पर हाइट कम हो गया है, यहाँ पे बढ़ गया है, यहाँ पे कम हो गया है, यहाँ बढ़ गया है, यहाँ कम हो गया है, यही तो शो कर रहा है यहाँ पर। तो निकालने का तरीका क्या है इनका, सरफेस की रफनेस को निकालने का तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पर सरफेस की रफनेस को शो करा है, और इसमें से इन्होंने एल लंबाई कट कर ली, पूरे में से एल की लंबाई ले ली इन्होंने। अभी ये सबसे पहले सबको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देंगे, इन्होंने इसका नाम दे दिया एरिया A1, इसका नाम एरिया A2, इसका नाम A3, A4, A5, चलो इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या करना है, छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देना है। अब जो एरिया में डिवाइड करा है उस एरिया के क्या करना है, उसे छोटी छोटी हाइट में, ठीक है, रफनेस हाइट में, कितनी रफनेस है उसे हाइट द्वारा शो कर देना है। यहाँ पर जो रफनेस है तो अलग अलग पॉइंट पर रफनेस के मान अलग अलग आएंगे, तो आपको इसी तरह से क्या करना है, अलग अलग पॉइंट पर रफनेस के मान क्या है उन्हें शो करना है। जैसे इन्होंने यहाँ पे निकाला, सबसे पहले ये पॉइंट उन्होंने ले लिया A, ठीक है, और जो यहाँ पर हम शो करेंगे अंदर पॉइंट वो हमारे स्मॉल लेटर में होंगे, ठीक है। तो ये स्मॉल A से शो करा इन्होंने, फिर स्मॉल B, फिर स्मॉल C पे, तो स्मॉल A पे इन्होंने निकाला रफनेस हाइट कितना आ गया, बाई वन मान लिया इन्होंने, बाई वन मान लिया, B पर बाई टू। वैसे ये डिवाइस जो आते हैं हमारे, कुछ डिवाइस आते हैं जो आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ये बना गया हुआ है, कैलकुलेट करके बनाया हुआ है, मतलब एक डिवाइस आता है जिस डिवाइस को हम सरफेस के ऊपर घुमाते हैं उससे सरफेस की रफनेस बदल जाती है, कहाँ पर बढ़ रहा है कहाँ पर कम हो रहा है मान, तो जो चेंजेस आते हैं उन्हीं को हम मान को दिखा देते हैं बस। तो वही चीज़ है, तो A पर मान था बाई वन और B पे था बाई टू, C पे हो गया बाई थ्री, इसी तरह से D पे बाई फोर हो गया, फिर इसी तरह से फिर नीचे तरफ आ गए A2 एरिया में, फिर उन्होंने इसी तरह से नाम कर दिया बाई फाइव, बाई सिक्स, बाई सेवन, इसी तरह से उन्होंने क्या करा, आगे भी इसी तरह से नामकरण करते चले जाएंगे लास्ट तक, जहाँ तक इन्होंने टोटल लंबाई ली है। अब उस जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, एक हमारा जो टूल होता है उसे घुमाते हैं जिससे हमारी अलग अलग मान निकले आते हैं, मतलब अलग अलग हाइट पर सरफेस की रफनेस के मान निकले आते हैं, जिन्हें हम लिख कर फिर बाद में कैलकुलेट करते हैं मान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो बीच वाली लाइन है ये क्या है, हमारी सेंटर लाइन ऑफ द प्रोफाइल है, ठीक है, या फिर इसे हम मीन लाइन भी कहते हैं। मीन लाइन ऑफ द प्रोफाइल क्या होती है, इट इज़ द लाइन डिवाइडेड द इफेक्ट प्रोफाइल सच दैट विद इन सैम्पलिंग लेंथ
द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वर्टिकल कोऑर्डिनेट बिटवीन ठीक है वर्टिकल ऑर्डिनेट्स बिटवीन इफेक्टिव प्रोफाइल पॉइंट्स एंड मीन लाइन इज मिनिमम और ज़ीरो। जो आपका यहाँ पर क्या करते हैं, एक इफेक्टिव लाइन जो है हमारी इफेक्टिव लाइन, उसके क्या करते हैं इफेक्टिव प्रोफाइल के बीच में हम क्या कर लेते हैं एक मीन लाइन ले लेते हैं। तो जो मीन लाइन होती है वो इक्वली क्या कर देती है हमारी सरफेस की रफनेस को, तो वो इक्वली डिवाइडेड कर देती है। डिवाइडेड करने के बाद क्या करते हैं उसमें वर्टिकल ऑर्डिनेट्स ले लेते हैं वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फाइव, डिवाइड कर देते हैं उसमें। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं, और जो वर्टिकल ऑर्डिनेट लेते हैं वो लेते हैं जीरो लाइन से साथ। ये हमारी लाइन क्या कहलाती है, जीरो लाइन कहलाती है। ठीक है, सेंटर लाइन ऑफ द प्रोफाइल क्या है, सेंटर लाइन प्रोफाइल इट इज़ द लाइन दैट डिवाइडेड द इफेक्टिव प्रोफाइल सच दैट द एरिया कंटेन्ड बाई द प्रोफाइल अबव द एंड बिलो द लाइन आर इक्वल। तो जो हमारा सेंटर लाइन ऑफ द प्रोफाइल क्या है, तो सेंटर लाइन ऑफ प्रोफाइल की बात करें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दो तरह की लाइनें हैं। जो आपकी ये वाली लाइन है आपको याद रखना है, ये वाली लाइन क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है आपकी सी एल, मतलब सेंटर लाइन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये जो सेंटर वाली लाइन होती है ये सेंटर, ये आपकी जो बीच सेंटर से आ रही है सेंटर लाइन कहलाती है। और जो आपकी ये वाली लाइन है बाई वन बाई टू बाई थ्री फोर जो एरिया में हमने डिवाइड करी है, ये वाली आपकी कहलाती है मीन लाइन। तो आपको इन दोनों को याद रखना है। ठीक है, तो ये आपकी मीन लाइन है, ये आपकी सेंटर लाइन है, और इनके द्वारा हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इससे क्या आगे, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है।